हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया साहब, उम्मीद है मेरे सारे प्यारे रसगुल्ले और स्वीट बर्फियां एकदम मजे में होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। तो बच्चों, सबसे पहले आप सबको दिल से शुक्रिया हमारी तरफ से। हम जानते हैं ये शुक्रिया, ये थैंक यू शब्द बहुत छोटे हैं आपके प्रेम और स्नेह के आगे, लेकिन आपने इतना ज्यादा सपोर्ट किया कि महज 15 दिन में ही अपने इस यूट्यूब चैनल पर 50,000 से भी अधिक नए हमारे प्यारे रसगुल्ले जुड़ चुके हैं। तो ये आप सबका प्यार ही है बच्चों कि 5.5 लाख का जो ये माइलस्टोन है वो भी कंप्लीट हो गया है। तो चलिए बच्चों, आज के इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर के 5 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट 3 नंबर वाले क्वेश्चन को देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में बच्चों हम देखेंगे पहले चैप्टर से लेकर के 5वें चैप्टर के बीच जितने भी 3 नंबर में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं उनको देखने वाले हैं, और ये क्वेश्चन एकदम सॉलिड है। ठीक, इसलिए बच्चों इनको इग्नोर नहीं करना है, बस इस वीडियो को कंप्लीट देख लेना है। दावा है रसगुल्लों की अब की बार अच्छा आप लोग फोड़ोगे, इस बात की गारंटी हम लेते हैं। बस आपको थोड़ा मेहनत करना है, बस और कुछ भी नहीं करना है, इधर उधर फालतू के भटकना नहीं है। चलिए देखते हैं बच्चों पहला क्वेश्चन। ठीक, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा कि हिमांक में अवनमन से आप क्या समझते हैं, और हिमांक में अवनमन तथा विलेय के अणुभार में संबंध स्थापित कीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, हालांकि इसमें एक क्वथनांक में उन्नयन भी पूछता है, लेकिन हिमांक में अवनमन वाला ये कुछ ज्यादा ही पूछता है। ठीक, परिभाषा तो पूछेगा, तो भाई हमने बताया ना, परिभाषा वाला आता है तो 2 नंबर में आएगा, परिभाषा लिखना है, फार्मूला लिख देना। लेकिन बच्चों जब 3 नंबर में पूछता है तो इसमें कोई ना कोई संबंध वगैरह निकालना होता है। तो हिमांक में अवनमन किसे कहते हैं, हमने बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया था आपको, परिभाषा आपको नहीं देखना बच्चों, पहले इसको समझिएगा। मान लेते हैं इसमें क्या है, कोई विलायक भरा हुआ है। ठीक, अब विलायक तो समझ ही रहे होंगे आप सब, विलायक बोले तो कोई भी इसमें लिक्विड है, जैसे पानी है, ठीक है, दूध है, कुछ भी है, ये सब विलायक में आते हैं, यानी जिसमें हम कोई चीज घोलते हैं वो क्या होता है, विलायक होता है। तो कोई हमने ले लिया बच्चों विलायक, ये क्या है, तो ये है विलायक। ठीक, ये कोई विलायक है, और इस विलायक में हम मान लेते हैं कि भाई हम बाहर से कोई पदार्थ घोल रहे हैं। ठीक, कोई पदार्थ इसमें बाहर से क्या है, डाला जा रहा है, और जो पदार्थ घोल रहे हैं वो पदार्थ क्या है, अवाष्पशील, 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 वो वैद्युत अनपघट्य है। कैसा पदार्थ है बच्चों, वैद्युत अनपघट्य। वैद्युत अनपघट्य का मतलब क्या होता है बताइएगा, वैद्युत अनपघट्य का मतलब होता है बच्चों जिसमें से धारा का प्रवाह ना हो सके। ठीक, यानी अगर हम बात करें तो वो आयनों में जो वियोजित नहीं होते हैं, लाइक दैट, जैसे यूरिया हो गया, ग्लूकोज हो गया, शर्करा यानी चीनी, शक्कर, ये सब वैद्युत अनपघट्य में आते हैं। ठीक, यानी इनमें कोई चार्ज नहीं होता है, ये निरावेशित होते हैं। तो ये हो गया वैद्युत, कोई वैद्युत अनपघट्य, अवाष्पशील, और ये हो गया विलायक। अब परिभाषा क्या है, हिमांक में अवनमन की परिभाषा क्या है, जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य पदार्थ हम घोलते हैं, तो घोलने के बाद बच्चों इस विलायक के हिमांक में जो कमी होगी, हिमांक में जो भी कमी होगी उस कमी को ही अपन क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। अवनमन का मतलब ही होता है कमी, उन्नयन का मतलब होता है वृद्धि। ठीक, तो परिभाषा समझ में आ गया कि किसी विलायक में कोई अवाष्पशील मतलब वैद्युत अनपघट्य पदार्थ घोल देने पर विलायक के हिमांक में जो कमी होती है रसगुल्लों, उसी को अपन क्या बोलते हैं, हिमांक में अवनमन। और इसी को क्वथनांक में उन्नयन भी परिभाषा इसी को सेम थोड़ा बदलना होगा, यानी जब किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य घोलते हैं तो विलायक के क्वथनांक में जो वृद्धि होती है वो क्वथनांक में उन्नयन होता है, बट अपने को यहां हिमांक। तो परिभाषा हम किस तरह से लिखेंगे बच्चों, किसी विलायक में कोई अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य ठीक पदार्थ घोल देने पर विलायक के हिमांक में जो कमी होती है उस कमी को ही बोलते हैं क्या, मतलब यहां हिमांक में अवनमन कहते हैं। ठीक, अब चलिए इसके संबंध को देखते हैं बच्चों, जो हमें प्रमुख समझना है वो क्या है, संबंध। ठीक, तो यहां पर अब हम लिखेंगे जो प्रमुख था बच्चों,
हिमांक में अनवन तथा विलय के अनुसार में संबंध, तो लिखेंगे कि हिमांक में अवनमन नमन तथा विलय के अणुभार विलय के अणुभार में संबंध में क्या संबंध होता है, चलिए देखिएगा। देखिए बच्चों, संबंध क्या होता है, संबंध होता है कि हिमांक में अवनमन बराबर, याद रखना यही फार्मूला एक याद रख लिए पूरा क्लियर, हिमांक में अवनमन बराबर, हिमांक में अवनमन बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक, मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे में क्या होता है, मोललता, मोललता। ठीक, अब देखिएगा, अब हम करेंगे क्या बच्चों, देखिए इसको लिखेंगे, हिमांक में अवनमन को अपन दर्शाते हैं डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक को के एफ से दर्शाते हैं, गुणे मोललता है, चाहे मोलरता वो कैपिटल एम ही होता है। तो यहां से हम क्या करेंगे भाई, इसको लिखेंगे डेल्टा टी एफ बराबर, ये हो जाएगा बच्चों के एफ, और मोललता बराबर क्या होता है, ठीक, मोलों की संख्या बटे विलायक का भार होता है, ठीक है, ये होता है, बट मोलों की संख्या को हम लिखते हैं बच्चों डब्ल्यू बाई एम से, ठीक, ये होता है ना, अपान यहां पर होता है विलायक का भार, ये पूरा का पूरा ग्राम में, तब यहां पर ये 1000 हो जाता है, ठीक है। या इसको सही से अगर हम लिखेंगे बच्चों, जब हम इसको सही से लिखेंगे तो ये हो जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, डेल्टा टी एफ बराबर ये नीचे चला आ जाएगा तो ऊपर हो जाएगा के एफ, ये ऊपर रहेगा के एफ, यहां पर इनटू में ये स्मॉल डब्ल्यू, ठीक, और यहां पर गुणे में 1000 रहेगा और नीचे रहेगा एम गुणे ये चीज कैपिटल डब्ल्यू रहेगा। लेकिन कह रहा है कि भाई यहां पर बोल क्या रहा है कि अवनमन अथवा विलय के अणुभार में संबंध, तो यही होता है, या इसको सही से लिखना चाहेंगे अणुभार के पदों में तो ये बच्चों एम यहां चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा तो ये हो जाएगा, ठीक, इसको सही से लिखेंगे तो 1000 गुणे स्मॉल डब्ल्यू, ठीक, यहां पर मतलब के एफ गुणे स्मॉल डब्ल्यू अपान ये नीचे ये चला आ जाएगा डेल्टा टी एफ, टी एफ गुणे कैपिटल डब्ल्यू यानी विलायक का भार, और यही क्या हो जाता है बच्चों, यही हो जाता है संबंध, ठीक है, यही संबंध होता है। अब इसमें सैंबल जानना भी बेहद जरूरी है बच्चों, ठीक है ना, सब चीज का मतलब समझना जरूरी है, तो चलिए इधर देख लेते हैं सब चीज को कि कौन सा चीज क्या है, ये स्मॉल डब्ल्यू क्या है, सॉरी स्मॉल एम क्या है, के एफ क्या है, ठीक, और स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, सब चीज का अर्थ निकालना बेहद जरूरी। तो ये विलेय का अणुभार होता है ना, विलेय का अणुभार, ठीक, ये विलेय का अणुभार होता है बच्चों। के एफ क्या है, तो के एफ देखिए ये लिखा है ना मोलल अवनमन स्थिरांक, ये क्या है, मोलल अवनमन, इतना समझ लेना, ठीक, मोलल अवनमन स्थिरांक, ठीक, स्थिरांक। अब उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार है, विलेय का भार, ठीक है, और स्मॉल एम क्या है, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, अणुभार, और उसके बाद कैपिटल डब्ल्यू क्या है, विलायक का भार है, विलायक का भार, ठीक। तो ये मतलब जो भी इसमें यूज हुए उनका सैंबल होता है, ठीक है ना, ये फार्मूला याद रखना बच्चों, ठीक, यही यहां पे जो फार्मूला हमने ये बताया, ठीक, ये चीज इसी की मदद से क्या है, हमने इसका पूरा संबंध निकाला, ठीक है, ये परिभाषा हो गया। और हिमांक में अवनमन तथा विलय के अणुभार में क्या संबंध होता है, तो हमने बताया हिमांक में अवनमन बराबर मोलल अवनमन स्थिरांक गुणे मोललता, मोलल अवनमन स्थिरांक को के एफ से दर्शाते हैं, अवनमन क्या है डेल्टा टी एफ से हो, और ये मोललता, अब मोललता बराबर हमें पता है कि भाई भार बटे अणुभार, क्योंकि मोलों की संख्या होती है, मोलों की संख्या को भार बटे अणुभार से भाई निकालते हैं हम एन का मान, और नीचे क्या होगा कैपिटल डब्ल्यू होता है यानी विलायक का भार,
गुणे में 1000 हो गया, ठीक है। तो इसको जब सही से लिखा तो m नीचे आ गया बच्चों, ठीक। बाकी ये हो गया, चाहे आप इसको, बाकी सैंबल हमने किसका क्या मतलब होता है वो लिख दिया है। चलिए जल्दी से इसको छाप लीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। हो गया बच्चों, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए अगला क्वेश्चन है कि तनु विलयन के लिए राउल्ट के नियम को परिभाषित कीजिए और संबंधित सूत्र के व्यंजक को प्राप्त कीजिए। देखिए बच्चों, राउल्ट का जो नियम है, मतलब राउल्ट के नियम से भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है कि राउल्ट के नियम पर जो मतलब संबंधित सूत्र होता है उसका व्यंजक, ठीक है ना, उसका निगमन करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है। वैसे नियम तो सब हैं इंपॉर्टेंट भाई, हेनरी का नियम है, राउल्ट का नियम है, कोलराउस का नियम है, ठीक। और उसके बाद जो हम बात करें तो आपका अरहेनियस समीकरण है, नेनेस्ट समीकरण, तो इस तरह के जितने हैं सब इंपॉर्टेंट। और इसको तो हमने अच्छे से समझाया है, एक अलग से वीडियो में जितने नियम है 3-4 वो भी बताया है, ठीक है, आपने देखा होगा। अगर नहीं भी देखा प्लेलिस्ट में वीडियो है, जाकर चेक कर लीजिए। और बाकी यहां पर भाई हमारा पर्पस है कि ये जो सूत्र होता है राउल्ट के नियम में वो कैसे निकलता है वो चीज, ठीक। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर आप विगत ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखोगे 2000 अगर आप 22 का भी चेक करोगे बच्चों, तो ये 3 से 4 सेट में पूछा गया था, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए देखिए क्वेश्चन हमारा है कि राउल्ट का मतलब नियम क्या होता है तनु विलयन के लिए। तो राउल्ट का नियम क्या होता है, इस नियम के अनुसार अवाष्पशील विलेय पदार्थ के विलयनों के लिए वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन होता है, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होता है वो विलयन में उपस्थित विलेय के मोल अंश या फिर मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है, यानी मोल प्रभाज के बराबर होता है। कहने का मतलब जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है उसको कैसे दर्शाते हैं बच्चों, पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नोट। ये वाष्प दाब में जो आपेक्षिक अवनमन है वो कह रहा है कि विलेय के, ठीक, मतलब इसको एक मिनट एक बार ऐसे लिख लेते हैं कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, वाष्प दाब का जो आपेक्षिक अवनमन है बच्चों वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है, विलेय के मोल अंश या मोल प्रभाज के बराबर होता है, ठीक है, यह चीज बोला गया है। अब यहां पर वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन का फार्मूला हमने लिखा कि पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट, ये वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन होता है। जहां पी नॉट क्या है तो भी इसको हम बाद में बताएंगे, ठीक, लिख देंगे कि पी नॉट होता क्या है, ठीक, ये विलायक का वाष्प दाब, पी एस क्या है शुद्ध विलयन का वाष्प दाब, इतना याद रखना, ठीक। ये बराबर किसके होता है, कह रहा है मोल अंश या मोल प्रभाज, इसको काई से लिखते हैं, ठीक, और यहां विलेय लिख देते हैं, यानी विलेय के मोल अंश, या बहुत सारे बच्चे इसको एक्स पढ़ते हैं, व्हाट एवर जो आप पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, ठीक। अब इसको बच्चों लिखेंगे तो ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस, ठीक, पी एस अपान पी नॉट, ठीक, पी नॉट बराबर क्या हो जाएगा भाई, मोल अंश बराबर होता क्या है भाई, अगर किसी में मान लेते हैं विलेय के मोल की संख्या n है, विलायक के कैपिटल n है, तो मोल अंश कैसे निकालते हैं बच्चों, ठीक, मान लेते हैं हम विलेय का निकाल रहे हैं तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर लिखेंगे और नीचे क्या लिखेंगे भाई, दोनों के मोलों की संख्या का योग है ना, यही तो अनुपात होता है, तो ये चीज हो जाएगा बच्चों। तो यहां से हम लिखेंगे क्या, एन अपान एन प्लस कैपिटल एन, ये होता है। अब हमें निकालना है तनु विलयन के लिए, ठीक, तो हम लिखेंगे बच्चों तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के लिए पूछ रहा है, तो तनु विलयन के लिए सिस्टम क्या हो जाएगा, इधर देखिएगा, तनु विलयन के लिए बच्चों ध्यान देना, ये हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपान पी नॉट बराबर तनु विलयन के लिए, तनु विलयन के केसेस में जो n होगा प्लस कैपिटल n होगा, ठीक, यानी जो n होगा और कैपिटल n, ऐसे केसेस में ये केवल बराबर किसके हो जाएगा, इसके, ठीक, तनु विलयन में ये विलेय का जो n है यूं समझिए इसको नगण्य मान लिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, हम n के स्थान पर तो n ही रखेंगे बच्चों, और नीचे जो इसके स्थान पर हम केवल कैपिटल एन रखेंगे, ठीक है। अब चूंकि हमको मालूम है रसगुल्लों कि एन बराबर होता क्या है भाई, एन क्या है, मतलब ये मोलों की संख्या है,
तो भार बटे अणुभार होता है बच्चों, यानी ये विलेय के मोलों की संख्या बराबर विलेय का भार बटे विलेय का अणुभार। अगर इसी में अपन कैपिटल एन रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा भाई, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। ठीक, ये क्या विलायक को दर्शा रहा है, तो विलायक का भार बटे विलायक का अणुभार, है ना बच्चों। तो इसके वजह से ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम और लिखेंगे सजाकर पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट बराबर भाई इसके स्थान पर W बाई एम रख देंगे और इसके स्थान पे कैपिटल W अपॉन कैपिटल M रख देंगे, है ना बच्चों। तो उसके बाद ये क्या हो जाएगा, चलिए इधर देखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका, ध्यान से समझना, ये P नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट हो जाएगा बराबर का भाई ये W बाई एम है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं W बाई एम गुणे करेंगे, ये चीज भाई बटे में है, जो इसको गुणा लगाएंगे तो ये चीज ऊपर चला जाएगा, तो ये चीज ऊपर हो जाएगा, एम ऊपर चला जाएगा बच्चों और ये नीचे रहेगा। ठीक है, तो ये फार्मूला निकल कर आता है, ठीक है, यही क्या होता है हमारा फार्मूला हो जाता है। ठीक, अब ये फार्मूले पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल बनते हैं, अब सबको जानना बेहद जरूरी है, तो सबका मतलब हम लिख देते हैं बच्चों कि भाई पी नॉट क्या है, पी एस क्या है, उसके बाद स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है, सब चीज बताएंगे। ठीक, आप बिल्कुल टेंशन इसके बारे में ना लें, चलिए लिख देते हैं बच्चों। देखिए पी नॉट क्या है, तो हमने बताया विलायक का वाष्पदाब, विलायक का वाष्पदाब, वाष्पदाब। ठीक, और पी एस क्या है, तो शुद्ध विलयन का वाष्पदाब, शुद्ध विलयन का वाष्पदाब, क्योंकि बच्चों इसका मतलब समझना जरूरी है, क्योंकि इस पर हमने बताया ना कि न्यूमेरिकल भी तीन नंबर का अगर नियम आ गया तो ठीक है, नहीं तीन नंबर का न्यूमेरिकल बनेगा। अगर मान लेते हैं रसगुल्लो आपको पता ही नहीं है कि भाई स्मॉल डब्ल्यू क्या है, स्मॉल एम क्या है, कैपिटल डब्ल्यू क्या है, कैपिटल एम क्या है, तो आप कैसे निकालोगे भाई, हर एक स्टूडेंट की आईक्यू लेवल उतना ज्यादा है नहीं, है ना, हर एक स्टूडेंट की सोचने समझने की क्षमता तो उतना है नहीं, तो इसलिए ये बताना जरूरी है। स्मॉल डब्ल्यू क्या है, विलेय का भार, विलेय मतलब जो चीज घोल रहे हैं अपन। ठीक, तो ये होता है विलेय का भार, विलेय का भार, जो कुछ भी घोला जाता है उसको विलेय कहते हैं। और ये क्या है, एम क्या है, तो स्मॉल एम, तो विलेय का अणुभार। ठीक, इतना याद रखना। अब इसी तरह का जो नीचे का है ये भी सेम है। ठीक, ये कैपिटल डब्ल्यू है, तो ये विलायक का भार, विलायक मतलब जिसमें कुछ चीज घोला जाता है, जैसे जल हो गया, तो ये विलायक का भार हो गया बच्चों। और ये कैपिटल एम क्या है, तो विलायक का अणुभार है, तो इसको लिखेंगे विलायक का अणुभार। ठीक, विलायक का अणुभार, ये सब जानना बेहद जरूरी है। क्लियर हो गया, तो ये होता है बच्चों तनु विलयन के लिए जो राउल्ट का नियम होता है उसके लिए सूत्र का व्यंजक। ठीक, यही हमारा क्या है, मेन फार्मूला होता है। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक, एग्जाम में जरूर आएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बच्चों ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये भी बच्चों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये आया नहीं था, किसी भी सेट में नहीं पूछा था। ठीक, इसलिए बच्चों पूरा ये भी पूरी संभावना ही नहीं बल्कि फिक्स है कि आएगा, किसी न किसी सेट में जरूर पूछेगा। देखिए कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव क्या है। ठीक, और कह रहा है कि किसी धातु के इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए, यानी इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। क्लियर, चलिए तो देखते हैं बच्चों इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है। देखिए दो चीजें होती हैं, एक इलेक्ट्रोड विभव, एक मानक इलेक्ट्रोड विभव, लेकिन यहां पर भाई हमें तीन नंबर वाले क्वेश्चन से मतलब है, बाकी तो वन शॉट में हमने सबको देखा है। ठीक, तो इलेक्ट्रोड विभव क्या होता है, हम मान लेते हैं कोई क्या है, ये इसमें कोई लवण का विलयन है। ठीक, इसमें कोई लवण का विलयन, और भाई कौन सा लवण है, तो इसमें कोई मान लेते हैं धातु की क्षण हम डुबो रहे हैं। ठीक, ये कोई धातु की क्षण हम इसमें डुबो रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये कोई धातु की क्षण इसमें हम डुबो रहे हैं, और एक ये हो गया।
ठीक कैथोड एनोड मान लेते हैं, है ना, ये धातु। और उसके बाद मानने हमने बताया कि ये इसमें सॉल्यूशन है यानी विलयन है। और ये किस चीज का विलयन है, मान लेते हैं कि ये जिंक धातु की छड़ है और ये जो विलयन भरा है बच्चों ये ZnSO4 यानी इसी का लवण है, ठीक इसी का लवण है और ये कोई धातु की छड़ है, ठीक है ना, धातु की छड़, इसी को क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रोड कहते हैं, ठीक। तो यहां पर क्या है कि एक लवण का जिंक, मतलब यहां पे ZnSO4 जिंक सल्फेट का विलयन है और जिंक की छड़ को इसी में हमने डुबोया है। तो परिभाषा सुनिएगा कि जब किसी धातु की छड़ को उसके यानी उसी के यानी स्वयं के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, हमने क्या बोला बच्चों कि जब किसी धातु की छड़ को उसके लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो कह रहा है कि इस विलयन, ये जो विलयन है बच्चों और इस धातु की छड़ के बीच में एक विभव, ठीक एक क्या होता है विभव स्थापित हो जाता है या उत्पन्न हो जाता है, उसी विभव को अपन क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव। या एक लाइन में परिभाषा एकदम सिंपल से लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, एकदम सिंपल सा है ना, इलेक्ट्रोड पर उत्पन्न होने वाले विभव को बच्चों इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। नहीं तो हमने तो बताया कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में डुबोते हैं तो विलयन तथा उस धातु की क्षण के बीच में एक विभवांतर स्थापित हो जाता है, उसी को अपन बोलते हैं इलेक्ट्रोड विभव, यानी जो विभव स्थापित होता है उत्पन्न होता है उसको कहते हैं इलेक्ट्रोड विभव। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे कि जब किसी धातु की क्षण को उसके लवण के विलयन में रखा जाता है या डुबोया जाता है तो धातु की क्षण तथा विलयन के बीच एक विभव उत्पन्न हो जाता है जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, ठीक क्या कहते हैं बच्चों, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक अब हम यहां पर कह रहा है कि इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, तो हम लिखेंगे इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक, ठीक प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक। तो यहां पर देखेंगे बच्चों, देखिए पहला तो है भाई धातु की प्रकृति, धातु की प्रकृति कि धातु किस प्रकृति का है उसकी प्रकृति पर ठीक इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, कम या ज्यादा होगा। दूसरा चीज बच्चों, दूसरा क्या है, विलयन की सांद्रता, विलयन की सांद्रता ठीक। और तीसरा क्या है, तो तीसरा है ताप, ठीक। तो ये धातु के मतलब इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित करने वाले कारक हैं, इलेक्ट्रोड विभव क्या होगा प्रभावित इन पर होगा, धातु की प्रकृति पर इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, विलयन की सांद्रता पर भी और साथ ही ताप पर भी निर्भर करता है। तो चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया बच्चों। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, हमारा अगला टॉपिक भाई इसके बारे में तो पूछो ही ना, क्योंकि 2022 का पेपर उठाओगे बच्चों तो ये टॉपिक और इसके आगे एक टॉपिक है भी जिसके बारे में हम देखेंगे, दोनों टॉपिक 2 से 3 सेट में दिखाई पड़े थे और 2022 में देखिएगा इससे न्यूमेरिकल भर भर के दिए गए थे इस चैप्टर से। यही करता है आयोग, यही करता है जो भाई पेपर बनाने वाले होते हैं उनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज, अब की बार जो छाप दिए हैं जैसे न्यूमेरिकल दे दिए इस चैप्टर से तो अगली बार क्या करेंगे, न्यूमेरिकल तो रहेगा ही रहेगा लेकिन ज्यादातर कोशिश करेंगे उससे थ्योरी वाले क्वेश्चन या फिर जो भी निगमन वगैरह टाइप के हैं उनको दे दीजिए, फिर अगली बार क्या करेंगे उस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल उठाकर छाप देंगे, ठीक इसी तरह का क्रम लगा रहता है। तो ये ध्यान दीजिएगा, ये 2024 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करना, गारंटीज के साथ कह रहे हैं ये दिखाई पड़ेगा आपको, आप खुद जब क्वेश्चन पेपर आपको मिलेगा तो देख लेना बच्चों, ठीक। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन बोल रहा है कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं या शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या होती है और शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक आपको प्राप्त करना है। वैसे अगर हम बात करें तो ये जनरली बच्चों ज्यादातर आपका 4 नंबर में पूछा जाता है, ठीक ये 4 नंबर में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है,
ठीक है। लेकिन हमने बताया ना कि भाई तीन नंबर में भी कभी कभार पूछता है, तो भाई आपका ही फायदा है, चाहे चार में आए चाहे तीन में, बाकी चार में नहीं आया तो तीन में तो श्योर है। चलिए देखते हैं बच्चों कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि शून्य कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की जो दर होती है या अभिक्रिया का जो वेग होता है वो अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है। हमने क्या बोला, वह अभिक्रिया, ठीक कह रहा है कि जिसमें अभिक्रिया की दर, अभिक्रिया की दर को dx अपॉन dt से अपन दर्शाते हैं, अभिक्रिया की जो दर है वो कह रहा है बच्चों अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर ही नहीं करता है, उसे कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के समानुपाती या फिर अनुक्रमानुपाती होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, ठीक, कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक, ए क्या है अभिकारक है, ठीक, कोष्टक लग गया इसको सांद्रता पढ़ेंगे, ऊपर घात जीरो लगा दिया तो शून्य घात हो गया। तो वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होती है उसे शून्य कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। नहीं तो एकदम सिंपल सा लॉजिक तो बताया ही है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक के सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है उसको कहते हैं शून्य कोटि की अभिक्रिया। अब बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए हम निकालेंगे वेग स्थिरांक, बोले तो एक्स का वैल्यू, मतलब एक्स का सूत्र। तो लिखेंगे क्या, यहां पर हम निकालेंगे कि भाई शून्य कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया, अभिक्रिया के लिए, अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक, वेग स्थिरांक का व्यंजक, का व्यंजक, ठीक, वेग स्थिरांक का हम व्यंजक निकालेंगे। चलिए देखते हैं बच्चों वेग स्थिरांक का व्यंजक कैसे निकालेंगे। मान लेते हैं कि कोई अभिक्रिया है, ए से बी प्लस सी उत्पाद बन रहा है, ठीक, हमको मालूम है बच्चों ये क्या होता है, तो ये होता है अभिकारक, ठीक, अभिकारक यानी जो कच्चा माल होता है ना, अभिकारक से ही उत्पाद बनता है, तो ये क्या होता है उत्पाद, ठीक, ये चीज। अब शून्य कोटि की अभिक्रिया कहती क्या है, तो हम लिखेंगे बच्चों शून्य कोटि की अभिक्रिया से, शून्य कोटि की अभिक्रिया से, की अभिक्रिया से, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया क्या कहती है रसगुल्लों, तो अभी हमने बताया फार्मूला, शून्य कोटि की अभिक्रिया जो कहती है वो डी एक्स अपान डी टी, ये कह रहा है कि भाई अनुक्रमानुपाती होती है अभिकारक की सांद्रता की शून्य घात के, ठीक है ना, ये होता है बच्चों। अब यहां से अगर हम देखेंगे, चलिए इधर थोड़ा हम बाउंड्री कर देते हैं, देखिए अब यहां पर बच्चों इस फार्मूले को अगर हम कॉन्स्टेंट, मतलब ये अनुक्रमानुपाती, ठीक है ना, प्रोपोर्शनल का अगर चिन्ह हटाएंगे तो ये हो जाएगा बच्चों डी एक्स अपान डी टी, ये बराबर हो जाएगा के हो जाएगा इंटू यहां पर ए की घात में ये जीरो रहेगा, के क्या है कांस्टेंट है यहां पर, ठीक। अब देखिएगा बच्चों इस, अब यहां पर देखिए कहां गया भाई, हाँ देखिए इसमें करते क्या है, तो यहां पर चूंकि फार्मूला, ठीक, फार्मूला किसी भी संख्या हो, कोई भी है नंबर है, उसकी घात जीरो का मतलब क्या होता है एक, अगर हम दो की घात जीरो है तो यहां पर एक्स होगा, एक्स की घात जीरो है तो एक ही होगा, ठीक, यहां पर तीन की घात जीरो है तो एक ही होगा, ये चीज, ठीक। तो यहां से ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चों डी एक्स अपान डी टी, ये बराबर का यहां पर केवल और केवल के हो जाएगा, ठीक। अगर हम डी एक्स बराबर लिखेंगे बच्चों तो के इंटू डी टी हो जाएगा, होगा ना, बिल्कुल होगा। तो यहां पर अब हम इसका करते हैं, इसको थोड़ा पास लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं पास, चूंकि उधर अभी जरूरत होगी, इतने के बराबर एक होता है। अब देखिएगा बच्चों इसमें करेंगे क्या, ठीक, अब यहां पर ध्यान से समझिएगा, समाकलन करेंगे, तो लिख देते हैं यहीं पर कि समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन लगाएंगे, वही चिन्ह लगाएंगे समाकलन, ये हो जाएगा डी एक्स बराबर
समाकलन के इंटू डी टी। ठीक भाई, देखिएगा समाकलन अगर वन लिखा है इंटू डी एक्स तो उसका एक्स हो जाता है, जैसे समाकलन डी टी लिखा है तो उसका टी हो जाता है, समाकलन डी आर लिखा है तो उसका आर हो जाता है, ठीक, समाकलन डी एम लिखा है तो उसका एम हो जाता है, इस तरीके से। तो यहां पर देख रहे होंगे भाई एक्स के सापेक्ष है, तो यहां पर एक समझिए लिखा है, तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये केवल एक्स हो जाएगा बराबर। अब इसको के बाहर लिखेंगे तो समाकलन यहां पर वन इंटू डी टी समझिए बच गया है, ठीक। तो एक्स बराबर ये के हो जाएगा, इस टी के सापेक्ष है तो हमने बताया के टी हो जाएगा प्लस का सी। सी क्या है, अचर पद है, कौन मतलब यहां पर समाकलन नियतांक है, ठीक। तो यहां पर अब लिखेंगे कि यदि यदि बच्चों मान लेते हैं कि भाई टी बराबर जीरो अगर समय ही ना लगे तो अभिक्रिया क्या होगी, स्थिर रहेगी। तो भाई टी बराबर जीरो तो एक्स बराबर भी जीरो हो जाएगा, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, ये जब जीरो रखेंगे बराबर, भाई यहां पर भी अगर हम टी जीरो रखेंगे तो ये जीरो ही हो जाएगा प्लस का सी, यानी सी बराबर जीरो, इसको समीकरण एक दे देते हैं। तो ये सी बराबर जीरो, अब हम रखेंगे भाई सी का मान, सी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में अगर रख देंगे बच्चों तो क्या आ जाएगा, चलिए इधर थोड़ा जगह है एडजस्ट हो जाएगा। देखिए जब हम c का मान रख देंगे तो यहां पर ये फार्मूला है क्या चीज, x बराबर ये हो जाएगा k इंटू टी, और बराबर का ये भाई c की जगह जीरो, तो x बराबर क्या हो जाएगा k इंटू टी, या फिर k बराबर हमको चाहिए वेग स्थिरांक बराबर, तो k बराबर क्या हो जाएगा, k बराबर बच्चों ये x रहेगा और इधर आ जाएगा नीचे का t, तो k बराबर x अपान टी, के क्या है वेग स्थिरांक है, इसी का व्यंजक निकालना था, के क्या है बच्चों तो वेग स्थिरांक है, ठीक है ना, ये एक्स दर की को दर्शा रहा है और ये टी क्या है समय है, तो ये हो जाएगा के बराबर एक्स अपान टी, ये शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक, बोले तो के का मान, ठीक। अगर यहां से मात्रक भी निकालना चाहते हैं, आप मात्रक भी कभी कभार पूछ लेता है, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, तो भाई इसका मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, मतलब ये इसका मोल प्रति लीटर और इसका प्रति सेकंड, तो मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, है ना, शून्य कोट की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड, तो यहां से आप मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो ये बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है बच्चों, इसको अच्छे से आप रिविजन कर लीजिएगा, चलिए जल्दी से इसको स्क्रीन शॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, हमारा अगला जो क्वेश्चन है भाई साहब वो तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो क्वेश्चन है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का व्यंजक निकालना। अभी तक तो शून्य कोटि हो गया, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमने बोला ना एक शून्य कोटि की अभिक्रिया एक प्रथम कोटि की, दोनों में कोई एक जरूर दे देगा, ठीक, शून्य कोटि की अभिक्रिया और प्रथम कोटि। अब प्रथम कोटि की अभिक्रिया की अगर परिभाषा की बात करें तो भाई जैसे उसमें लिखा था सेम उसी तरीके का, ध्यान से सुनिएगा रसगुल्लों, उसको परिभाषा आप लिख लीजिए कि वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के अनुक्रमानुपाती होती है उसको कहते हैं प्रथम कोटि की, यानी वह अभिक्रिया जिसमें अभिक्रिया की दर, ठीक, अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है उसको कहते हैं बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया। और प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको निकालना है वेग स्थिरांक का व्यंजक, ठीक। चलिए हम मान लेते हैं बच्चों कोई अभिक्रिया है ए से ये उत्पाद बन रहा है, ठीक, ए से क्या है कोई उत्पाद बन रहा है, और ऐसे केसेस में हम मान लेते हैं बच्चों की प्रारंभ में जो सांद्रण है, प्रारंभ में सांद्रण जो प्रारंभिक सांद्रण है वो किसी समय मान लेते हैं कि ए मोल प्रति लीटर है, ठीक, और ऐसे सिचुएशन में उत्पाद मान लेते हैं कि जीरो बन रहा है, जीरो, ठीक है। अब फिर मान लेते हैं कि टी समय के बाद, टी समय बाद, टी समय बाद, और टी समय बाद मान लेते हैं कि जो सांद्रण हो जाता है वो हो जाता है ए माइनस एक्स, ठीक, और यहां पर जो सांद्रण होता है उस समय एक्स अकेले बनता है, ठीक है। अब हो जाएगा बच्चों प्रथम कोटि की अभिक्रिया से अब हम लिखेंगे
कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, प्रथम कोटि की अभिक्रिया से, तो प्रथम कोटि की जो अभिक्रिया होती है बच्चों, प्रथम कोटि की अभिक्रिया के अकॉर्डिंग क्या होता है, dx अपॉन dt, ये भाई अभिक्रिया मतलब जो अभिकारक की सांद्रता के प्रथम भाग के समानुपाती होता है, ठीक है ना। यहां पर लिखेंगे, अब यहां पर हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं बच्चों dx अपॉन dt। भाई अगर हम यहां पर ध्यान से समझना, इसमें अगर सांद्रण देखें तो टी समय के बाद ए माइनस एक्स हो जा रहा है, या फिर हम बराबर का जब इसको हटाकर बराबर का चिन्ह लगाएंगे तो dx अपॉन dt बराबर क्या हो जाएगा, के, ठीक, नियतांक हो जाएगा और a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा बच्चों। इसमें करते क्या, ये चीज इधर ले लेते हैं जैसे शून्य कोटि वाली अभिक्रिया में किया था, तो ये हो जाएगा dx बराबर, ठीक, एक मिनट, ये dx हो जाएगा बच्चों, इसको इधर ले लेते हैं तो ये a माइनस एक्स हो गया, a माइनस एक्स, a माइनस एक्स हो गया, और बराबर का भाई ये k हो गया इंटू dt हो गया। इसमें भी वही चीज करना है, समाकलन, ठीक, तो लिखेंगे बच्चों समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, इसका जब हम समाकलन कर देंगे रसगुल्लों तो क्या हो जाएगा, जब हम समाकलन करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा समाकलन 1 अपान a माइनस एक्स है इंटू dx बराबर, इधर के बाहर ले लेते हैं, के बाहर हो जाएगा क्योंकि जो अचर पद होता है उसका समाकलन नहीं होता है, तो यहां पर इंटू dt हो जाएगा, ठीक, 1 अपान एक्स बराबर लॉग एक्स होता है, लेकिन ये 1 अपान a माइनस एक्स का फार्मूला होता है माइनस का लॉग ई a माइनस एक्स, ये फार्मूला होता है, ठीक, बराबर बच्चों इधर k का तो k रहेगा, अब उसके बाद t के सापेक्ष है तो ये t हो जाएगा और प्लस का c, ठीक, और c क्या है, समाकलन नियतांक है। अब इसमें भी वही चीज कि यदि यदि बच्चों हम t बराबर जीरो तो x बराबर भी जीरो होगा, ऐसी सिचुएशन में मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं, ऐसी सिचुएशन में भैया क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बच्चों माइनस का ये log e और यहां पर a हो जाएगा, और माइनस x बराबर जीरो रखेंगे तो ये जीरो हो जाएगा बराबर, इधर क्या बचेगा, t का मान जब जीरो रखेंगे तो जीरो प्लस c हो जाएगा, है ना, t का मान जीरो रखेंगे तो c बराबर क्या आया, माइनस का log e a आ गया, तो c का मान इसी पर प्लेस कर देते हैं, तो हम लिखेंगे बच्चों c का मान समीकरण समीकरण एक में रखने पर, C का मान समीकरण एक में हम रख देते हैं, जब हम C का मान रखेंगे बच्चों तो देखिएगा यहां पर हो जाएगा माइनस का ये लॉग a माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक, और उसके बाद बराबर का k इंटू टी रहेगा और प्लस का, देखिए प्लस का C है तो C के स्थान पे ये रखेंगे तो ये चिन्ह माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा बच्चों लॉग ये a हो जाएगा, इस चीज को इधर अपन ले लेते हैं, ठीक है, तो इसको देखिएगा ये क्या हो जाएगा बच्चों, हम ले लेते हैं, हम लिखते हैं के टी बराबर, यहां पर लिखते हैं के इंटू टी बराबर, जब के टी बराबर लिखेंगे तो ये चीज तो माइनस में है, ये चीज इधर चला आएगा, ये चीज इधर आएगा तो बच्चों प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉग ई ए हो जाएगा, और ये चीज तो माइनस में ऑलरेडी है तो यहां पर हो जाएगा बच्चों माइनस लॉग ए माइनस एक्स, लॉग ई ए माइनस एक्स हो जाएगा। अब एक फार्मूला होता है बच्चों लॉग एम माइनस लॉग एन बराबर होता है लॉग एम अपॉन एन, ये फार्मूला होता है ठीक लॉगरिथम में, तो इस वजह से क्या हो जाएगा के इंटू टी बराबर ये हो जाएगा लॉग ई भाई एम अपॉन एन, यानी एम के स्थान पे समझो ए है, एन के स्थान पे ए माइनस एक्स है, ये चीज ठीक, या फिर बच्चों इसको लिखेंगे के बराबर अगर हम लिखेंगे तो ये चीज इधर आ जाएगा, यानी 1 अपॉन टी हो जाएगा इनटू लॉग बेस ई ए माइनस सॉरी ए अपॉन ए माइनस एक्स हो जाएगा, लेकिन ऐसे काम नहीं चलने वाला, हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे लेकिन ये लॉग ई है तो लॉग बेस ई है तो लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना होगा, तो इस तरह से भी ये फार्मूला जो हमारा बन जाएगा ये हो जाएगा के बराबर ठीक, ये हो जाएगा 2.303 बटे टी हो जाएगा, और यहां पर अब लॉग बेस 10 हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा ए अपान ए माइनस
x। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि log 10 का मान ही ये चीज होता है 2.303, तो log base 10 के रूप में हमने बदल लिया। और इसी पर आपके पूरे न्यूमेरिकल लगते हैं। इसमें बच्चों अधिकांश, यानी यूं समझिए कि 90 से 95% जो न्यूमेरिकल लगते हैं वो प्रथम कोट की अभिक्रिया पर ही लगते हैं। शून्य कोट की अभिक्रिया में तो आपने देखा कैसा फार्मूला है, एकदम छोटा सा, तो उस पे बहुविकल्पी बनते हैं। लेकिन जो चार नंबर वाले या फिर तीन नंबर में अगर जो न्यूमेरिकल बनता है बच्चों, तो वो आपका इसी फार्मूले पर बनता है। ठीक, के क्या है? वेग स्थिरांक। टी क्या है? समय है। ए क्या है? प्रारंभिक सांद्रता, यहां पर लिखा है। ए माइनस एक्स क्या है? तो टी समय के बाद सांद्रता है। क्लियर हो गया? तो यही आपका क्या हो जाता है, फार्मूला हो जाता है। चलिए बच्चों जल्दी से इसको छाप लीजिए, ये और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पूरे चार नंबर में पूछता है, लेकिन हमने इसको रख लिया है तीन नंबर वाले में, ठीक, ताकि एकदम क्लियर रहे आपका। चलिए इसको जल्दी से छाप लीजिए। चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, ध्यान से समझना, ये टॉपिक भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और ये तो हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। क्योंकि जो आपका बच्चों जो डी तथा एफ ब्लॉक का तत्व, ये चैप्टर है, इसमें डी ब्लॉक का तत्व और एफ ब्लॉक का, यही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना। इसमें लेंथेनाइड एक्टिनाइड भी आते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन होता है वो है संक्रमण तत्व किसे कहते हैं और इसकी विशेषताएं लिखना होता है, ठीक है, हर साल पूछा जाता है। तो बच्चों संक्रमण तत्व बताने की जरूरत नहीं, कई बार इसको अच्छे से समझा चुके हैं, इंपॉर्टेंट है इसलिए हमने इसको रखा। संक्रमण तत्व क्या होते हैं? ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर आप करने लगो तो बाह्य कोष के डी उपकोष में, ठीक, बाह्य कोष के डी उपकोष में या डी कक्षक में अगर इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो उन्हें डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब देखिए डी ब्लॉक के तत्व को ही कहते हैं संक्रमण तत्व, है ना। एक डीजे बना दिए, डीजे वाले बाबू मेरा गाना बजा दे, है ना। चलिए तो यहां पर देखते हैं, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है बच्चों, ये बीच वाला डी ब्लॉक होता है, और दो जो क्षैतिज, ठीक है, इस तरह से क्षैतिज पंक्तियां होती हैं, इसमें क्या होता है, ये होता है आपका एफ ब्लॉक, ठीक। तो ये होता है ना, ये एस ब्लॉक होता है, ये पी ब्लॉक होता है, ठीक, और इसके बाद ये होता है डी ब्लॉक, ठीक। तो ये जो डी वाला, मतलब डी ब्लॉक का होता है बीच वाला, ठीक है। तो हमने बताया ना कि डी ब्लॉक के तत्व क्या है, तो ऐसे तत्व जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कक्षक में पहुंचते हैं तो उसे डी ब्लॉक के तत्व कहा जाता है। अब इन्हीं को संक्रमण तत्व भी कहते हैं। वो क्यों कहते हैं? क्योंकि बच्चों ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, ठीक, एस और पी ब्लॉक के बीच में स्थित होने के कारण ही इनको संक्रमण तत्व कहा जाता है। जैसे बॉडी में अगर संक्रमण होता है तो बॉडी के अंदर होता है ना भाई, भले बाहर से चोट लग जाए लेकिन संक्रमण अंदर से ही शुरू हो रहा है, ठीक, उसका भाई जड़ तो अंदर है। तो इसी तरह से बच्चों ये एस तथा पी ब्लॉक के बीच में होते हैं, इनसे गुणों से मिलते जुलते हैं, ठीक, इसी कारण इनको कहा जाता है संक्रमण तत्व। तो हमने लिखा है ना कि ये तत्व एस तथा पी ब्लॉक के बीच में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व कहा जाता है। अब संक्रमण तत्व की, ठीक, जो तत्व होते हैं इनकी विशेषताएं देख लेते हैं। वैसे जितने भी इनकी विशेषताएं हैं हमने इनको वन शॉट वाले में कारण सहित समझाया है। अगर आपने नहीं देखा है तो देरी किस बात की बच्चों, सबसे पहले आप वन शॉट वाली वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि इसमें कारण बहुत पूछता है। तो भाई पहला लक्षण देख लेते हैं, पहला ये रंगीन आयन बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं इसको डिटेल्स में हमने वन शॉट वाले में जितना ये है सब कारण समझाया है, ठीक है। तो ये रंगीन आयन बनाते हैं, ठीक। दूसरा ये संकर आयन बनाते हैं जो उपसंयोजक यौगिक होते हैं, ठीक है, जैसे हमने बताया ना K3, ठीक, ऐसे हो गया, और यहां पर Fe CN6 हो गया। तो इसमें देख रहे होंगे कि भाई इनमें संक्रमण तत्व का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो ये क्या करते हैं, संकर यौगिक लिख सकते हैं या संकर आयन बनाते हैं। अगला है ये अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, ठीक, अनुचुंबकीय गुण दर्शाते हैं, यानी इनमें अनुचुंबकीय गुण होता है। और अगला कि ये उत्प्रेरक की, जैसे भी देखे होंगे हैबर विधि द्वारा अमोनिया बनाते हैं तो उसमें Fe+MO का इस्तेमाल होता है, Fe+MO, Fe क्या है आयरन है, MO क्या है मॉलिब्डेनम, तो आयरन और मॉलिब्डेनम का उत्प्रेरक की तरह, जैसे Pt हो गया,
प्लेटिनम, तो इन सबका एक उत्प्रेरक की भांति भी व्यवहार किया जाता है, मतलब उत्प्रेरक की तरह प्रयोग करते हैं, ये अभिक्रिया की दर को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। ठीक, उत्प्रेरक का काम ही यही होता है बच्चों। तो इनमें ये क्या होते हैं, ये एक उत्प्रेरक की तरह व्यवहार करते हैं, अर्थात इनमें उत्प्रेरक का गुण भी पाया जाता है। तो ये इसके चार प्रमुख लक्षण है। तो इस तरह से अगर पूछेगा संक्रमण तत्व क्या है, इसके चार प्रमुख लक्षण या फिर तीन प्रमुख लक्षण, तो ये पूरे तीन नंबर में बच्चों क्वेश्चन पूछा जाएगा और आता है। ठीक, हमने पहले भी बताया इसके बारे में। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो भैया अगला क्वेश्चन क्या है, तो अगला क्वेश्चन भाई मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पांचवें चैप्टर का सबसे लाजवाब है। इसमें जो ठीक आपके और जो संयोजकता बंध सिद्धांत वगैरह हो गया, बर्नर सिद्धांत, वो तो चार नंबर में पूछा जाता है, उसको भी हम बताएंगे, वो चार नंबर वाला है, उसलिए भाई इसलिए उसको हमने यहाँ नहीं रखा है। ठीक, क्योंकि प्रमुख रूप से हम यहाँ तीन नंबर वाले देख रहे हैं, तो ये भी बच्चों काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, लिगेंड क्या होता है बताने की जरूरत नहीं है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाओगे आपको मिलेगा। लिगेंड किसे कहते हैं, तो लिगेंड होता क्या है, और ये कह रहा है कि आवेश के आधार पर लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों देखिएगा लिगेंड क्या है, तो भाई कोई भी परमाणु या आयन जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है या प्रवृत्ति होती है, उसको कहते हैं लिगेंड। जैसे भी एक एग्जाम्पल हमने लिया था ना, जैसे K4 लिख लेते हैं, ठीक, यहां पर Fe, यहां पे CN5 लिख दिया, 4 लिख दिया, कुछ भी लिख दिया। तो इसमें बच्चों देखिए हमने अच्छे से समझाया था, अगर आपको याद हो रसगुल्लों, तो इसमें ये जो होता है ये आयन होता है, अगर भाई ये प्लस में रहेगा तो ये पूरा समझो माइनस में रहता है, तो ये आयन हो गया, धनायन होता है। ये क्या होता है, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, केंद्रीय धातु आयन या केंद्रीय धातु परमाणु कहते हैं। ठीक, और ये जो कोष्टक के अंदर है इसी को बच्चों बोलते हैं लिगेंड, क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। ठीक, और ये जो नंबर्स है इसको बोलते हैं उपसह संयोजन संख्या, उपसह संयोजन संख्या, इसकी भी परिभाषा वन शॉट वाले में तो पूरा सब मिलेगा। ठीक, ये चीज इतना होता है। तो परिभाषा क्या है लिगेंड की, तो कोई भी देखिए कोई भी कह रहा है कि परमाणु या फिर धातु आयन जिसमें जिसमें केंद्रीय धातु परमाणु या केंद्रीय धातु आयन को इलेक्ट्रॉन युग्म देने की क्षमता होती है उसी को कहते हैं लिगेंड, इसमें सीएन लिगेंड है। ठीक है, ये चीज होता है लिगेंड। तो लिगेंड समझ में आ गया। अब लिगेंड कितने प्रकार के होते हैं चलिए वो देखते हैं। तो आवेश के आधार पर बच्चों अगर हम बात करें तो भाई आवेश के आधार पर लिगेंड तीन प्रकार के होते हैं। तो पहला है बच्चों धन आवेशित लिगेंड। तो धन आवेशित लिगेंड जैसा कि भाई नाम से ही जाहिर हो रहा है, धन आवेशित यानी जिन पर धन आवेश हो, तो ऐसे लिगेंड बच्चों जिन पर धन आवेश होता है यानी प्लस चार्ज होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, तो उसको बोलेंगे धन आवेशित लिगेंड। परिभाषा लिखेंगे कि ऐसे लिगेंड जिन पर क्या होता है धन आवेश होता है उन्हें धन आवेशित लिगेंड कहते हैं। ठीक, वो क्या होता है बच्चों धन आवेशित लिगेंड होते हैं। लाइक दैट फॉर एग्जाम्पल जैसे देखेंगे भी एनओ प्लस में, एनओ प्लस में अगर है ठीक तो ये धन आवेशित लिगेंड है। एनएच फोर, ठीक, NH4 ये प्लस में है तो ये धनावेशित, ये फिर क्या कहलाएंगे, तो ये कहलाएंगे धन आवेशित लिगेंड। ठीक, तो जिन पर धन चार्ज होता है, ठीक, यानी प्लस चार्ज होता है, वो होते हैं धन आवेशित लिगेंड। तो चलिए जल्दी इनको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए बच्चों अब हम देखते हैं अगला। ठीक, दूसरा होता है ऋण आवेशित लिगेंड। ठीक, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा है ऋण आवेशित लिगेंड। अब देखिए भाई धन आवेशित लिगेंड है तो धन आवेश होगा, ऋण आवेशित लिगेंड है तो ऐसे लिगेंड जिन पर क्या होता है ऋण आवेश उपस्थित होता है, ठीक, या ऋण आवेश होता है उनको अपन क्या कहते हैं बच्चों, तो वो होते हैं ऋण आवेशित लिगेंड। तो लिखेंगे ऐसे लिगेंड जिन पर ऋण आवेश होता है उन्हें ऋण आवेशित लिगेंड कहते हैं। जैसे में अगर हम देखेंगे तो भाई सी एन माइनस अगर है तो ये ऋणावेशित है, एन ए टू अगर मान लेते हैं इसे माइनस में है तो ऋणावेशित है,
बी आर है माइनस में तो ऋणावेशित है, सी एल है तो ऋणावेशित। तो ये सबके सब क्या होंगे बच्चों, तो ये हो जाएंगे ऋणावेशित लिगेंड, यानी जिन पर ऋण आवेश हो वो क्या कहलाएंगे, ऋणावेशित लिगेंड कहलाते हैं। क्लियर हो गया। अब उसके बाद बच्चों जो तीसरा है उदासीन लिगेंड। अब उदासीन लिगेंड क्या होते हैं, तो भाई ऐसे लिगेंड जिन पर ना तो प्लस चार्ज हो ना तो माइनस चार्ज हो। तो भाई अगर ना प्लस होगा ना माइनस होगा तो क्या होगा, उन पर कोई चार्ज ही नहीं होगा, ठीक है। तो यानी ऐसे एक लिगेंड जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, सिंपल सी बात। तो ऐसे लिगेंड बच्चों जिन पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना, इनमें क्या होता है, कोई भी आवेश नहीं होता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं, ठीक। जिन पर कोई आवेश नहीं होता है उन्हें क्या कहते हैं, उदासीन लिगेंड कहते हैं। अब उदासीन लिगेंड की बात करें तो भाई उदासीन लिगेंड में जैसे हम देखेंगे बच्चों, तो आपका जैसे H2O हो गया, H2O यानी इसको एक्वा पढ़ते हैं, उसके बाद NH3, ठीक। तो ये सब मतलब क्या होते हैं, ये उदासीन लिगेंड में आएंगे, H2O हो गया, NH3 हो गया, तो ये उदासीन लिगेंड होते हैं, यानी इन पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक। चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से एक लाइक जरूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि ऐसे मजेदार टॉपिक आप तक पहुंचते रहे। वक्त बिल्कुल नहीं है बच्चों, सिर्फ हम एक ही बात कहना चाहेंगे अपने प्यारे रसगुल्लों को कि भाई दिन रात एक करना पड़े करो। हाँ, नींद भी जरूरी है, ऐसा हम नहीं बोलते कि पूरी पूरी रात पढ़ो, लेकिन बच्चों देखिए भाई इतना बड़ा दिन है, इतनी बड़ी रात है, तो सारा दिन तो भाई सोना है नहीं, सारी रात तो नहीं सोना। अब बेशक बच्चों 8 घंटे की नींद लीजिए, 7 घंटे की नींद लीजिए, कोई दिक्कत ना, लेकिन ऐसा नहीं कि 10-10, 12-12 घंटे सो जाइए, ऐसा नहीं। आपको जितना हो सके उतना कम सोइए। अगर 7 घंटे की भी आप नींद लेंगे ना, बहुत ज्यादा है, ठीक। ये 6 घंटे की नींद भी प्रॉपर होती है, तो 7-8 घंटे सो रहे हो, सो बिंदास। लेकिन उसके बाद जो समय बच रहा है, आप अब वो समय बच्चों अपने पूरे स्टडी में झोंक दीजिए। दिन रात एक करना पड़े करिए, क्योंकि आज की ये जो मेहनत है ना, यही कल रंग लाएगी, है ना, यही आपका भविष्य संवारेगी। क्योंकि अगर आप सोचते हो कि भाई आज चलो 5 मिनट बाद पढ़ लूंगा, 10 मिनट बाद, 1 घंटे बाद पढ़ लूंगा, तो यही जो आज समय टालने की जो आदत है ना, कल का आपका पूरा भविष्य बर्बाद कर देगी। आज का ये 5-10 मिनट जो है ना, वो कल के आने वाले समय में 10-20 साल बाद आप ना पूरा का पूरा अपना कैरियर लूटते हुए देखोगे, और पूरा कैरियर उसमें बर्बाद हो चुका होगा, क्योंकि इतना वक्त ही नहीं रहेगा कि आप भाई जाग जाओ समय के साथ। इसलिए अभी जागना जरूरी है, ठीक। जी जान लगा दीजिए, दिन रात मेहनत करिए, और अपने माता पिता को और साथ ही मोनू सर को भी वो रिजल्ट दीजिए भाई, जिसके लिए हम मेहनत कर रहे हैं और आपके घर वाले आपको मेहनत करवा रहे हैं, ठीक है। मेहनत का मतलब आप भाई पढ़ाई पर निर्भर हैं, आपसे इतना ज्यादा भारी भरकम काम तो नहीं ले रहे हैं, तो इस समय भाई क्या करना, अपने को तो किसी से नहीं मतलब ना, इसलिए दुनियादारी से दूर हट करके फोकस करो भाई स्टडी पर, ठीक, बस इतना करना है। मिलते हैं किसी और शानदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। एक प्यारा सा कॉमेंट जरूर कर दीजिएगा।